वैल नहीं रहा, मतलब सिस्टम ही है, मतलब बात ये अंदर की बात तो मैं देख रही थी, तू मना करने के बाद भी क्या करता है भाई। तो दोस्तों मना करने के बाद भी क्या करता है, मना कर शर्मा जी की बेटी शर्मा को बड़ा याद है तेरे को बड़ा याद आई ऑन द प्राइस लिखूंगा और कमाऊं और ऐसी ग्रेट। सो व्हाट इज अप, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सबका नए ब्लॉग में। मेरा नाम है संतोष पोगना, आप देख रहे हैं ओनली मॉम कॉल। भाई स्वागत है अभी सब लोगों का। दोस्तों कल मैं गया था नैना के साथ डेट पे एंड जनरली बताओ तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, आई नो, बट क्या ये मेरे दोस्तों को पसंद आया? तो सबसे पहले विश्वास से पूछेंगे, फिर आकृति भी, आकृति को भी बुलाया मैंने, आकृति से भी पूछेंगे एंड देखते हैं भाई उनका क्या रिएक्शन रहता है लेजिट इस चीज को लेके, एंड देखते हैं भाई मतलब इनको पसंद आई कि नहीं पसंद आई नैना, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ठीक है, बाकी कल मैंने नैना को भी घर पे बुलाया तो देखते हैं भाई कल क्या मजा आएगा, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह शूट करनी है कल एंड देखते हैं भाई जो भी सीन होता है। तो अभी जल्दी से चलते हैं, विश्वास से पूछते हैं कि क्या सिस्टम है भाई। तो वैसे दोस्तों से पूछने की बात आई गई है तो ये भी आ रखी है यहाँ पे, ये भी आ रहा है भाई, तो ये तो रहता है तो ये आ रखी है। ओए तूने वीडियो देखी मेरी डेट वाली, क्या बोलना चाहेगी तू इस बारे में? पहले तो तुम गया पहले मुझे ये बताइए क्या चल रहा है यो? भाई देख ये कुछ चल रहा नहीं रहा, मतलब सिस्टम ही है, मतलब बात ये है कि वो मुझे लड़की मुझे अच्छी लगी देख तो मैं उससे मिलने चला गया, तो इसमें क्या गलत है? अब लोग गलत अजम चुन रहे हैं वो, मतलब ये बता सिस्टम सेट हो गया तेरा भाई। कुछ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने कुछ नहीं बोला हूँ, जाके वीडियो देख कर आओ एक बार डेट वाली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बढ़िया वीडियो है। तुम फिर अपने आप से हिसाब लगाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं तो भाई एक आदमी हूँ जो फ्लो विद द गो करता है, गो विद द फ्लो। भाई मिलवा तो दे, कल आ रही है कल मिलेंगे। मैंने तुम दोनों से ही मिलने के लिए बुलाया, मैंने बोला भाई पहले भाई लोग सर्टिफाई करेंगे फिर कुछ सोचेंगे, मतलब वैसे मैं कुछ ऐसे गलत सोच नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं बहुत अच्छे ख्यालात का आदमी हूँ, मैं क्लीन कंटेंट, क्लीन नेचर, क्लीन हार्ट। ठीक है, बाकी अपने हाथों का जाप दिखाऊंगा, गलत चीज में नहीं। ए, खाना बनाऊंगा कल, उसके लिए खाना बनाऊंगा है ना, क्यूट है ना, क्यूट है भाई। मतलब वो क्या डिमरी, कौन सी डिमरी है वो, तृप्ति डिमरी की तरह दिखती है थोड़ी सी, और थोड़ी रोहित शर्मा की वाइफ की तरह दिखती है। हाँ शर्मा ही है, शर्मा जी की बेटी, शर्मा बड़ा याद है तेरे को, बड़ा याद। तू क्या तू स्टॉक कर रहा उसको, साढ़े नजर मत डाल भाई, क्या पता फिशर वाबी बन जाए भाई। मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, ये मुझे शर्म आती है दोस्तों, पर सिस्टम सेट है, सिस्टम है, सिस्टम सेट हो रहा है पर। हाँ कल तुम दोनों को मैं मिलाऊंगा उससे, पर तुम दोनों को कैसी लगी जेनुअली बताओ? अब कल देखते हैं कितनी स्वीट है, ऐ स्वीट है चाशनी दोस्तों। तो अभी मैं ऐसे बैठा हुआ था भाई एंड मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे बैठ के, तो मुझे अभी कॉल आया एंड वो कॉल किसका रहा हो सोचो, आरुषि का। आरुषि आ रही है मुझसे मिलने के लिए देहरादून से दिल्ली, तो अभी मैं जल्दी से जाता हूँ आरुषि को लेकर आता हूँ एंड उससे पूछते हैं कि उसको कैसी लगी भाई नैना। एंड तुम लोगों को नहीं पता मैं आरुषि के साथ भी डेट पे गया था, ऑल दो आरुषि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, बट आरुषि ने मुझे एज अ बेस्ट फ्रेंड ही रखा है दोस्तों। तो अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी रिएक्शन देखते हैं भाई वो कैसा देती है नैना को लेके, तो जल्दी चलते हैं अभी आरुषि को लेकर आते हैं। भाई दिल्ली में बाहर निकलने का मन मेरे को इसका नहीं करता, देखो जैसे बाहर निकलते हैं भैया देखो पूरी ट्रैफिक भाई, तो गाड़ी तो निकालने का मन ही नहीं करता, साथ में खुद से बाहर निकलने का मन नहीं करता कि भाई इतनी झड़ पपड़ भयंकर अजीब सा हो जाता है। अभी तो उसको आरुषि को लेने जाना है, इस टाइम मैं जा रहा हूँ, तो अभी जल्दी से पहुँचते हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि वो तो आ गई है एंड तुम्हारा भाई एज यूजुअल लेट है, तो जल्दी से जाके उसको पिक करते हैं। लड़कियाँ सुबह सुबह फुल तैयार होकर आती हैं, स्टाइल कही है हमारे घर, हट हाय बोल दो एक बार सबको, प्यारी सीनारी हमारे घर में आ गई है, फर्स्ट टाइम आ रही है ना तू, छोड़ो कौन बैठ गाली मत दे मेरे ब्लॉग में, गाली नहीं देती, कट कर देना यार। तो अभी जल्दी से भाई इसको मैं ले जाता हूँ अपने घर पे, इसका गृह प्रवेश करवाता हूँ। वो तुझे पता है ना मैं कल एक डेट पे गया था, अभी पूछता हूँ फ्री लॉस। तो भाई मैं और आरुषि आ गए मेरे घर के अंदर। ओए अरे ये देखो भाई ये मेरी सीट में बैठ गए आते ही, क्या दिक्कत है भाई तेरे को? ये देखो आते इसने कपड़े निकालना चालू कर दिया मेरे। दोस्तों ये लड़कियों की क्या आदत होती है भाई कि अपने दोस्तों के घर पे घुसते हुए उनके कपड़े निकालने और सोच रहा है माइंड सेट बना लेना कि कौन सा वाला चोरी करना है ना। मैंने पहले से बोला था मुझे बीच वाली चाहिए, बीच वाली शर्ट कौन सी है भाई, पता नहीं होगी कोई क्रीम सी, अच्छा लेके चली जाइयो भाई, मेरे पे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, दिल बड़ा होना चाहिए दोस्तों, दिल मेरा बहुत बड़ा है। मेरी तरफ करना कैमरा,
कच्चे क्यों निकाल रही है? सुन 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 सुन, इधर आ इधर आ, वो बाद में कच्चे बाद में देख लियो। तूने मेरी डेट वाली वीडियो देखी? तो तेरा क्या बोलना है उस बारे में? इधर इधर क्या घूम मत, बता क्या बोलना है तेरा उस बारे में, डेट वीडियो के बारे में क्या बोलना है? सबके साथ डेट पे जाता है। तेरे साथ भी तो क्या था? वही तो बोल रहा हूं, सबके साथ जाता है। तो तूने तो मुझे मना कर दिया था ना कि वी आर तो जस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल। वो तो मैं देख रही थी, तू मना करने के बाद भी क्या करता है भाई। तो दोस्तों मना करने के बाद भी क्या करता है, मना कर दिया, अब तो अरमान टूट गया ना दिल के। तो सच्चा प्यार वो होता है जो मना करने के बाद भी उसी से प्यार करे। पर दोस्तों मैंने सोचा क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना अपनी दोस्ती को, दोस्त ने कच्चे वाली दोस्ती क्यों खराब करनी है ना। तो तू मतलब तो अभी भी कुछ हुआ थोड़ी है, तू बता। नहीं तो तू बता ना, मतलब तेरे को कैसी लगी ना, कैसी लगी तेरे को, सही सही बता। ठीक है, सुंदर है ना? काइंड ऑफ। और बता ना, मतलब तेरे को कैसा, तूने वीडियो देख ली पूरी? हाँ देख ली। तो वीडियो कैसी लगी? ठीक, अच्छी थी। अच्छी थी ना? हाँ, बाकी उसे अच्छी। वाह, ओ ओ, कोल्ड स्टेटमेंट देख रहे हो उसका, बाकी उसे अच्छी थी दोस्तों। तो भाई अभी मैं चलना, चल मैं और आरुषि अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, इसको भूख लग गई। मुझे लग गई, तूने बोला। अबे ओ, इसको भूख लग गई दोस्तों। लड़कियां अपना एक्सेप्ट क्यों नहीं करती कि उनको भूख लगी है? तो मैं और आरुषि जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। आरुषि ने बोला उसको कुछ लाइट खाना है, दोस्तों खिलाना था, मैं उसे कुछ और चाहता था। अरे धोखा दोस्तों, धोखा। बट मैं उसको खिलाने ले जा रहा हूँ डोसा। तो अभी चलते हैं, डोसा खा के आते हैं बढ़िया सा। यहाँ पे एक मस्ती दुकान है डोसे की, तो वहाँ पे चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं भाई यहाँ पे खाने के लिए। तो ये खा रही है देखो डोसा, इसको ऐसे खाना पड़ रहा है जबकि। और मैंने अपने लिए मंगाया कुछ नई डिश है, ये वैसे इडली है पर ये पूरी फ्राई करी हुई है एकदम बढ़िया सी। सब ये वाली चटनी, ये वाली चटनी, ये कुछ और है इसके साथ। मैं ये इसको खाता हूँ जल्दी से, एंड ये इसको ख़त्म करेगी, कर लेगी ना नहीं। दोस्तों लड़कियां मंगा देती हैं उसके बाद ख़त्म नहीं कर पाती दोस्तों। और तुम्हारे भाई ने एवरग्रीन चीज़ भी मंगाई है साथ में, टी। दोस्तों ये साउथ इंडियन फिल्टर टी इज़ वेरी गुड, वेरी टेस्टी। तो अगर तुम लोग कभी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ तो यही ज़रूर ट्राई करना भाई, साउथ इंडियन फिल्टर टी बहुत अच्छी होती है। बाकी हम लोग जल्दी से खाते हैं, मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है भाई इसकी खुशबू से, जल्दी से खाते हैं, मिलता हूँ तुम्हें खा के। मेरे को तो आ रही है नींद, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैंने ब्लिंकिट्स ऑर्डर मंगाया। ए जा जा ब्लिंकिट्स ऑर्डर लेकर आ जा, चल। अरे यार तो अच्छी लड़की यार, जा यार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जा 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 जा। दोस्तों लड़कियाँ दोस्त होना वेरी इंपॉर्टेंट है। लौंडा होता तो वो मेरे को भेजता, पर लड़कियों को मैंने भेज दिया बेकू बना के। 1,00,000 रुपये तो जिंदगी में ना दूँ मैं इसको। मैंने सामान मंगाया दोस्तों, नैना आ रही है कल, एंड घर गंदा हो रखा है, तो मैंने सोचा कि घर साफ़ कर लेते हैं, बाथरूम साफ कर लेते हैं, खुद तैयार अच्छे से हो जाते हैं, ताकि कल नैना आए तो थोड़ी इंप्रेस हो जाए ना, समझ रहे हो बात। दोस्तों एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड होने का कितना फ़ायदा है दोस्तों, कितना फ़ायदा है। देखो भाई आई है इतनी दूर से ट्रैवल करके, अब आके मेरे चाय भी बना रही है। आ हा, क्या लेगी, कितने रुपये लेगी भाई दिहाड़ी? 1,00,000। 1,00,000 रुपये? इधर देख के बोल, इधर देख के। दोस्तों मुंह छुपा रही है क्योंकि इसको काम वाला नहीं बनना है, पर दोस्तों एक्सपोज तो हम करके रहेंगे। अभी यहाँ पे चाय बन रही है और आरुषि एकदम चाय वाय बना रही है, एंड देखते हैं भाई चाय कैसे बनाते हैं। मैं तुम्हें पता है चाय प्रेमी हूँ, ठीक है, मैं लड़कियों को या फिर सब लोगों को जज करता हूँ कि वो चाय कैसे बनाते हैं उस बेसिस पे। भाई चाय तो इसने बहुत बढ़िया बनाई है, पर यहाँ देखो इतनी बड़ी होके ये क्या देख रही है, शिनचैन। ओ शिनचैन देख क्यों रही है इतनी बड़ी हो गई, देखो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है भाई। ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है फिर भी शिनचैन देख रही है, बताओ भाई शिनचैन कौन देखता है भाई। मैं देखता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं तो खुद शिनचैन हूँ दोस्तों। 5 साल का दिमागी बुद्धि मेरी 5 साल की है। क्या बोलना चाहती है तू इस बारे में, सच है गुस्सा हो गई क्या तू? सॉरी यार, वो अब दोस्तों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा तो किसका मजाक उड़ाऊंगा भाई। पर चाय इसने एक नंबर बनाई है दोस्तों, बहुत टेस्टी हो रही थी चाय। दूध ही दूध की चाय बनाई है इसलिए शायद टेस्टी हो रही हो, पता नहीं, पर बढ़िया चाय बनाई थी भाई। अभी थोड़ी देर में ये जाएगी यहाँ से, एंड मैं भी थोड़ा आराम करूंगा एंड साफ सफाई करूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कल कौन आ रही है दोस्तों। कल उस तो होने वाला है खतरनाक, तो तुम्हें ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो नीचे सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना। छापा मारूंगी।
तो भाई अभी रात के बज रहे 3:30 एंड सब लोग चले गए हैं। मेरे को बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैं भी यहाँ पे बना रहा हूँ मैगी, एक स्पेशल मसाला है जो मैंने बनाया खुद से घर पे उसके साथ, एंड बना रहा हूँ चाय साथ में। तो मैं जल्दी से खत्म मैगी और पीता हूँ चाय और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। आई होप तुम्हें ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो नीचे लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और शेयर कर देना ब्लॉग को। ऑल्सो भाई मुझे बताओ कि तुम और क्या वीडियो देखना चाहते हो उस चैनल पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो तुम बोलो मैं वो करूँ। ठीक है, नैना के साथ क्या वीडियो बनानी मुझे ज़रूर बताना, एंड अपने दोस्तों के साथ और क्या वीडियोस बनानी मुझे ज़रूर बताना। आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा वो व्लॉग। With that said, I'll see you in the next vlog. Till then, take care. Bye-bye. This is your boy Sarkar Singham. सामान भरी है, छोरी है, टैग ढोरी है, पूछा तो मैक करी है, बोली वो टेस्ट करी है, अच्छे को भेज दे रही है।